तो हाय गाइस गाइज मैं हूँ इसका समा और आज हम सॉल्व करें कोर्ट फोर्सेस डेल्टे राउंड स्प्रिंग 2021 का क्वेश्चन ए गेम ऑफ लाइफ तो ये क्वेश्चन जो है आप आके सबसे पहले यहां से खुद से जरूर पढ़ेगा ठीक है ये क्वेश्चन है खुद से ट्राई ज़रूर कीजिएगा क्वेश्चन में क्या दिया है आइए वो जानते हैं क्वेश्चन में दिया है कि हमारे पास एक एरे है ठीक है और इसका सेल सब या तो अलाइव होगा ठीक है या तो अलाइव होगा या तो डेड होगा ठीक है अगर अलाइव है तो उसको हम वन से डिनोट कर रहे हैं ठीक है और अगर जीरो है तो वो मतलब है कि वो डेड है ठीक है तो सीन क्या है कि अगर कोई मान लो ऐसे सेल है जो कि जीरो यानी कि डेड है ठीक है और उसके बगल में एक अलाइव सेल है ठीक है और जो इस साइड मान लो अलाइव है तो इधर डेड रहना चाहिए ठीक है तो अगर ऐसा सीन है कुछ तो एक आइटरेशन में क्या होगा कि ये वाला जो सेल है ये आपका अलाइव हो जाएगा ठीक है यानी कि वन हो जाएगा तो एक आईटेरेशन के बाद क्या सीन होगा कि ऐसे हो जाएगा वन वन जीरो ठीक है तो ये हो जाएगा हम इस एरे पे ठीक है हम इस एरे पे एम टाइम्स आइटरेट करेंगे ठीक है हम इस एरे पे एम टाइम्स आइटरेट करेंगे और हमें बताना है कि कौन सा सेल अलाइव रहेगा कौन सा सेल डेड रहेगा ठीक है थीके? तो यही चीज़ है आ, ये चीज़ देखो ये जो अलाइव करेगा सीन है इसमें क्या है कि अगर मान लो ये डेड है ठीक है तो इस साइड अगर अलाइव है तो इस साइड डेड रहना चाहिए ठीक है तो ऐसा है अगर मान लो इस साइड अलाइव है ये मान लो डेड है तो इसका इस साइड भी डेड होना चाहिए तब एक आल्ट्रेशन में ये बीच वाला जो है ये अलाइव हो जाएगा ठीक है और एक बार जिंदा होने के बाद एक बार जिंदा होने के बाद ये वापस डेड नहीं हो सकता है ठीक है तो यही चीज़ करना है तो और ये जो है कि ये वन है ये ज़ीरो है ठीक है तो मान लो अगर ऐसा है कि वन ज़ीरो ज़ीरो वन ठीक है तो इसका देखो तो इसका देखो ये वाला जो है ठीक है ये वाला जो है ये डेड है ठीक है इसका इस साइड जो है ये अलाइव है इसका इस साइड डेड है तो ये जब एक आइटरेशन होगा तो ये अलाइव हो जाएगा ठीक है ये अलाइव हो गया और ये वाला देखो इसका इनिशियली ठीक है एट प्रेजेंट मोमेंट ठीक है एट प्रेजेंट मोमेंट ये आइटेरेशन के समय अलाइव है ठीक है लेकिन आइटरेशन से पहले तो डेड रहेगा ठीक है इसलिए ये वाला अभी अलाइव हो जाएगा ठीक है कैसे होगा ये इसके बगल में ठीक है इस साइड डेड रहता है ठीक है तो ये भी आपका अलाइव हो जाएगा एक आई में ठीक है तो एक आई के बाद चारों का चारों वन हो जाएंगे ठीक है ये दोनों डेड थी ये दोनों में अलाइव हो जाएंगे ठीक है तो यही चीज़ क्वेश्चन में दिया हुआ है तो भैया हमें बताने की जैसे ये मान लो ये हमें एक स्टेट दिया हुआ तो उसका फाइनल स्टेट कैसा होगा आफ्टर एम आइटीरेशन हमें वो बताना है ठीक है यहाँ पर सबका डिफाइन किया हुआ है ठीक है तो भैया ये तो हो गया क्वेश्चन ठीक है क्वेश्चन आप खुद भी समझ गए ही होंगे अब इसको हम सॉल्व कैसे करें ठीक है तो आपने देखो सबसे पहले क्या देखा होगा कि इसका भैया कंस्टेंट क्या है देखा कि एन है हमारा टेन का पावर थ्री एम है हमारा टेन का पावर नाइन तो आप सोचेंगे भैया टेन का पावर थ्री पे हमें टेन का पावर नाइन टाइम्स मैक्सिमम एक्चरेट करना पड़ेगा ठीक है अगर प्रूट फोर्स लगाएंगे ओ ऑफ एन इन टू एम ठीक है तो इस केस में आप सोच रहे हूँ कि भैया टी एल ई आ जाएगा आएगा? क्यों आएगा क्योंकि ये कितना हो जाएगा ये आपका हो जाएगा टेन का पावर ट्वेल्व ठीक है हमारा सेफ लिमिट कितना माना जाता है टेन का पावर एट तक माना जाता है एक सेकंड के लिए ठीक है तो भाई बात ये सही है कि ठीक है अगर हम एन इंग एम करेंगे तो आपका टी एल आ जाएगा ठीक है तो भैया आप उसके बाद आप क्या सोच रहे होंगे कि इसमें कुछ ऐसा ऑब्जर्वेशन है क्या या पैटर्न है क्या या कुछ ऐसा खोज रहे हो ठीक है तो वो भी नहीं है आपको सिर्फ एक चीज़ देखना था वो क्या था एक ऑब्जर्वेशन था छोटा सा वो क्या है कि देखो ये मान लो हमारा हो गया आ रेज इसका साइज़ है एन है हमारा मान लो पाँच ठीक है इसमें सिर्फ ये अलाइव है बाकी सब डेट है ठीक है एक दो तीन चार ठीक तो तो है एम मान लो हमारा हो गया सौ ठीक है तो जिससे सौ बार आइट होगा ठीक है तो पहला आइटरेशन के बाद क्या होगा पहला आइटरेशन के बाद देखो ये अलाइफ है ये जर्ज है बाकी सब्जेक्ट इधर भी जर्ज है तो पहला आइटरेशन के बाद आपका ये वाला जो है ठीक है ये क्या हो जाएगा ये अलाइव हो जाएगा सेकेंड आइटरेशन के बाद आपका ये अलाइव हो जाएगा ठीक है थर्ड आइटरेशन के बाद आपका ये अलाइव हो जाएगा होगा ना इतना बेसिक समझ रहे होंगे क्योंकि देखो ये थर्ड uh, आइटन में क्या होगा कि ये अलाइव था ये डेड था ये डेट था तो ये अलाइव हो गया ठीक है फोर्थ आइटरेशन में क्या होगा कि ये अलाइव हो जाएगा ठीक है तो यही हो रहा है समझ रहे हो ना तो एक चीज़ देखिए आपका कितना आइटरेशन uh, लगा चार आइटेरेशन लगा ठीक है जो कि आपका एन माइनस वन हो गया ठीक है एन माइनस वन आइटरेशन लगा ठीक है बाकी अभी देखो अभी बाकी हमारा नाइन्टी सिक्स आइटरेशन बचा होगा ठीक है लेकिन जब सारे के सारे अलाइव हो गए तो क्या हम इस स्टेट को चेंज कर सकते हैं नहीं ना कर सकते हैं ठीक है तो यहाँ से आप क्या फिगर आउट कर सकते हैं कि जो हमारा पूरा का पूरा एरे है ठीक है जो हमारा पूरा का पूरा, पूरा अगर एरे है उसमें अगर एक भी अलाइव है ठीक है अगर उसमें एक भी अलाइव है तो उसमें हमें कितना बार आई करना पड़ेगा हम एन माइनस वन टाइम आई टी करना पड़ेगा ठीक है थीका? उस समय तक जो जिसको अलाइव होना था वो होना था वो हो गया होगा जिसको नहीं होना था वो कभी नहीं होगा ठीक है और मान लो जीरो मान लो सारे का सारा जीरो भी है ठीक है मान लो सारे का सारा जीरो भी है तो इसमें तो कोई अलाइव नहीं होगा ठीक है तो इसमें भी मान लो एंड टाइम्स आइटरेट करोगे तो जिसको अलाइव होना था होगा जिसको अलाइव होता नहीं होगा ठीक है तो मतलब एंड टाइम से ज़्यादा आइटरेट करने में ठीक है एंड टाइम से ज़्यादा आइटरेट करने में हमें कोई फायदा नहीं है ठीक है यहाँ पे आपने एग्जाम्पल देखा ही कि जितना था जिसको अलाइव होना था हो ही गया होगा ठीक है क्योंकि तो यही यही आपका वर्स्ट केस टाइप होगा ना जिसमें सब सारा का सारा अलाइव होगा ठीक है सिर्फ एक अलाइव था उसने सबको बाकी बाकियों का अलाइव किया ठीक है ये आपका वर्स्ट केस टाइप होगा इसमें हम जीरो का नहीं मार रहे कि सबका सब जीरो ठीक है तो आपका आपने देखा कि हमें एन माइनस वन एक्शन लगा उसमें ठीक है तो मान लो अगर एन भी है ठीक है अगर मान लो एन भी है तो हमें एन टाइम से तो ज़्यादा एक्रेट नहीं ना करना पड़ा तो हमारा यहाँ पे देखो यहाँ पे भले ही हमारा टेन का पावर नाइन है ठीक है लेकिन टेन का पावर थ्री तक में जितना एक्रेट और जितना मतलब जिसको अलाइव होना था वो हो गया होगा जिसको नहीं होना था वो नहीं रहेगा ठीक है तो अगर हम ओ ऑफ एन स्क्वायर भी यूज़ करें ठीक है ओ ऑफ एन स्क्वायर बना दे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ठीक है कि मैक्सिमम आइटरेशन हमारा एन तक ही जाएगा ना यही है तो ये ये कितना हो जाएगा ये आपका हो जाएगा टेन का पावर सिक्स ठीक है तो ये आपका छोटका मैं टेन का पावर एट से तो हाँ भैया ये हमारा जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है ये हमारा इस कंस्ट्रेंट के साथ सूटेबल है ठीक है इस कंस्ट्रेंट के साथ सुटेबल है ये क्वेश्चन में हमारा काम कर जाएगा ठीक है तो हमें यही करना है क्या करना है कि जो हमारा स्ट्रिंग है ठीक है जो हमारा इनपुट में स्ट्रिंग है ठीक है उसको हमें एम टाइम मिनिमम ऑफ ठीक है मिनिमम ऑफ एन कॉमा एम टाइम आइटरेट करेंगे ठीक है मिनिमम ऑफ दोनों का अगर मान लो एन सौ है ठीक है एम टू है तो दो से ज्यादा तो हम कर नहीं सकते हैं लेकिन M मान लो अगर दो सौ है ठीक है तो सौ से ज्यादा करके कोई फायदा नहीं है तो इसलिए मिनिमम ऑफ एम एन एम करेंगे इसमें हम एक एक करके नॉर्मल जो हमारा ये रहेगा जो अप्रोच रहेगा ठीक है जो क्वेश्चन में दिया हुआ कैसे कैसे चेंज करना है वही हम करेंगे पूरा का पूरा ब्रूट फोर्स लगाएंगे ठीक है जैसे ये था ठीक है तो इसको हम इधर अलग को चेंज करेंगे फिर इधर अलग को चेंज करेंगे ठीक है तो एक मतलब पहला देखो इनिशियल ऐसा रहेगा पहला आइटेशन के बाद हम कुछ ऐसा बना लेंगे सेकेंड आइटिएशन के बाद हम ऐसा बना लेंगे थर्ड आइटिएशन के बाद हम ऐसा बना लेंगे ठीक है तो पूरा का पूरा ब्रूट फोर्स लगाएंगे ठीक है कोई हम अपना प्रीफिक्स एरे को सब कुछ नहीं लगाना है ठीक है पूरा पूरा ब्रूट फोर्स लगाइए टेन का पावर थ्री का टू टाइम्स चलेगा ठीक है मतलब टेन का पावर सिक्स टाइम मैक्सिमम चलेगा ये आपका टाइम कंस्टेंट के अंदर रहेगा कोई दिक्कत नहीं आएगा आपको तो यही करना है देखो ये रहा इसका कोड किया क्या है इतना छोटा सा कोड है सबसे पहले इनपुट वगैरह ले लो ठीक है यहाँ पे हमने क्या किया है कि चेक करते गए कौन कौन सा चेंज होगा ठीक है चेक करते गए कौन कौन सा चेंज होगा और उसको पुशबैक कर ले रहे हैं हम अपने तो वैक्टर में अपना आई में ठीक है एक चीज़ मैंने यहाँ जो बताया था अभी आपको कि ये कहाँ गया ये वाला केस ठीक है कि अगर ये ज़ीरो है ये ज़ीरो है तो दोनों वन हो जाएगा ठीक है ये दोनों बन हो जाएगा वन है, इधर बने इधर है, बने ठीक है तो इसीलिए हम एट प्रेजेंट मोमेंट ठीक है इसीलिए हम एट प्रेजेंट मोमेंट किसी को भी चेंज नहीं कर रहे हैं नहीं तो बाद में आपका जब चेकिंग करेंगे ना तो हमको दिक्कत आएगा दिक्कत क्या आएगा देखो तो जब हम क्या कर रहे हैं हम चेक करें फिर एफ एस ऑफ आई डबल इक्वल टू जीरो ठीक है तो एस ऑफ आई प्लस वन माइनस ज़ीरो प्लस एस ऑफ आई माइनस वन माइनस ज़ीरो ये वन नहीं होना चाहिए मतलब हम क्या चेक करेंगे हम चेक करेंगे कि देखो हम क्या चेक करेंगे चेक करने से दिक्कत आया क्या दिक्कत आएगा हम चेक करेंगे देखो अगर मान लो चेंज कर देते तो ये कैसा होता है वन जीरो वन में आता है ठीक है अब चेक करते तो मिलता है कि दोनों तरफ अलाइव है भैया तो ये जीरो को हम चेंज नहीं कर पाते ठीक है तो इसीलिए हम इनिशियली चेंज नहीं कर रहे हम इसको सबको ऐसे ही छोड़ दे रहे हैं सबको मार्क करके कर रख देखें कौन कौन सा चेंज होगा ठीक है जब पूरा का पूरा एक टाइम आइटीरेट हो गया होगा ठीक है जब पूरा का पूरा एक टाइम आइटीरेट हो गया होगा उसके बाद हम उसको वापस लास्ट में हम ठीक कर देंगे ठीक है वापस लास्ट में हम ठीक कर देंगे तो यहाँ देखो हम क्या करें कि यहाँ से चेक करें कौन कौन सा चेंज होगा जो जो चेंज होना था उसको वी में पुश बैक कर दे रहे उसका इंडेक्स को ठीक है और यहाँ पे वो सारे को हम वन बना दे रहे हैं ठीक है जीरो से वन बना दे रहे हैं मतलब उनको हम अलाइव कर दे रहे हैं ठीक है तो यही चीज़ करना है क्या क्या, क्या, क्या कंडीशन है पहला कंडीशन है कि अगर ज़ीरो है ठीक है जीरो है मतलब कि देखो यहाँ पर दिया हुआ है ना कि अगर ये दोनों एग्जिस्ट नहीं करते हैं तो उसको भी डेड मानेंगे ठीक है तो मतलब ऐसा कैसे है यहाँ से स्ट्रिंग स्टार्ट हो रहा है ये ज़ीरो है ये वन है ठीक है तो ये भी अलाइव होगा तो ये उसके लिए उसके लिए चेक कर रहे हैं ये लास्ट वाला के लिए चेक कर रहे हैं ठीक है मतलब यहाँ स्ट्रिंग ख़त्म हो रहा है ये जीरो है ये वन है तो इसको लाइव करने के लिए चेक कर रहे हैं ठीक है तो ये कंडीशन चेक हो गया और नहीं तो लास्ट में जो जेनरिक केस रहेगा उसको चेक कर रहे करें एस ओ फाइज ज़ीरो और दोनों तरफ अगर वन नहीं है ठीक है अगर दोनों तरफ वन नहीं है तो हम क्या कर रहे हैं उसको चेंज कर रहे हैं ठीक है, है? आ, यहाँ पे क्या हो रहा है हम हम कैरेक्टर को अपना इंटीजर में चेंज कर रहे हैं ठीक है अगर दोनों तरफ देखो कैरेक्टर से इंटीजर में कर रहे हैं ठीक है मतलब क्या हुआ कि ऐसा है कोई तीन इंडेक्स है ठीक है हमें यह पता है कि ये बीच वाला जीरो है ये वन था ये मान लो जीरो है ये अभी कैरेक्टर इनिशियली कैरेक्टर है स्ट्रिंग लिए ठीक है तो इसको हम पहले इंटीजर में चेंज किए तो इंट का वैल्यू आ गया तो वन प्लस इसको किए ठीक है तो ये जीरो हुआ तो अगर ये वन है तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक ही तरफ वन है अगर टू रहता तो दोनों तरफ वन रहता अगर जीरो रहता तो दोनों तरफ जीरो रहता ठीक है तो उसको चेंज नहीं करना हमें सिर्फ एक उसी में चेंज करना है जब एक तरफ वन है ठीक है तो वही हम किए यहाँ पे डबल इक्वल टू वन तो ये पुशबैक ठीक है पूरा का पूरा एक बार आइटरेट कर दिए उसका सबको हम चेंज कर दिए फिर नेक्स्ट आइटरेशन में गए फिर पूरा का पूरा एक बार आइटरेट किए पूरा स्ट्रिंग पे फिर सबको चेंज किए फिर नेक्स्ट आइटरेशन में गए ठीक है तो यही चीज़ करना है आपका ओ ऑफ या आपका ओ ऑफ एंड स्क्वायर इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा ठीक है तो यही चीज़ सिंपल सा है तो यही था अगर आपको ऐसे और भी सीखना है तो आप जी एफ जी के कोर्स चेकआउट कर सकते हैं अगर आप इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करें डी एस ए सीखना चाहते हैं देखिए डी एस ए वाला कोर्स में अगर आप देखेंगे

access to premium video lectures, recorded by Mr. Sandeep Jain himself, covering all the important DSA topics, along with more than 200 plus algorithmic problems of varying difficulty which will keep your brain always drilling deeper into concepts. And don't worry if your code lets you down sometimes, a customized hint section is always there to help. Evaluate yourself with the periodic contests and become the DSA expert these companies want. Take charge now and make DSA your biggest strength with us.